दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यू गड़िया बारापुर मेट्रो लाइन के बारे में, जहां पे कोलकाता मेट्रो को एक्सटेंड किया जाना था। मेनली इसे कोलकाता के सेंट्रल पॉइंट से दूर सबर्मन एरिया में किया जाना था। 2010 जिस समय ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी, उन्होंने बाकी और कुछ मेट्रो लाइन के साथ साथ न्यू गड़िया से बारापुर तक मेट्रो को एक्सटेंड किया था। एज वी ऑलरेडी नो, देश में कोलकाता मेट्रो अकेला है जिसे इंडियन रेलवे ऑपरेट करती है। सेंट्रल में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कोलकाता मेट्रो को एकदम से ही नेग्लेक्ट किया जाने लगा। न्यू मेट्रो के लिए फंडिंग भी कम हो गई। इस समय न्यू गड़िया बारापुर मेट्रो एक्सटेंशन को तो एकदम से ही साइडलाइन कर दिया गया है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल फाइट के चलते ये सारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स डिले हो चुका है। इसके साथ साथ लैंड एक्विजिशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेट्रो कॉरिडोर को आगे ले जाने के लिए। हालांकि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए न्यू गड़िया मेट्रो टर्मिनल को ऐसा बनाया गया ताकि आने वाले दिनों में जब बारापुर तक मेट्रो लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा, तब लैंड एक्विजिशन जैसे प्रॉब्लम से बचा जा सके। दोस्तों लगभग 14 साल बाद बारापुर मेट्रो लाइन में न्यू अपडेट आया है और शायद आगे आने वाले दिनों में बारापुर मेट्रो लाइन में वर्क प्रोग्रेस भी हम देख सकते हैं। जादवपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शायनी घोष ने पार्लियामेंट में फाइनेंशियल बजट से पहले ही कोबी सुभाष से बारापुर तक मेट्रो को लेकर क्वेश्चन किया था, जो लाइन आदि गंगा के ऊपर से जाने वाली थी। उन्होंने पार्लियामेंट में क्या कुछ कहा, इस वीडियो को देखिए। माननीय सदस्य सुश्री शायनी घोष जी। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी स्पीक इन दिस ऑगस्ट हाउस, एंड आई ऑल्सो थैंक द पीपल ऑफ जादवपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्टिंग मी एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। Madam, metros are the fastest and the most convenient and the cheapest mode of urban commuting, and there has been several ongoing projects to extend the Kolkata metro. However, the Baduipur Kobi Subhash, also known as the Garia metro extension, was proposed in the railway budget of 2011-2012, but there has been no positive movement since then. Baduipur is a fast developing town about 25 kilometers from Kolkata with a growing population of more than 5 lakh people. Thousands of people utilize the train facility daily to commute for work, for education and other essential activities. Since Kavi Subhash is becoming a key junction for the residents of Baduipur, a metro station is the need of the hour. In 2017, the tentative plan was to build the tracks along the Adi Ganga, but nothing has happened since. Despite the completion of the feasibility study for extending Kavi Subhash to Baduipur link, as a part of East-West Metro extension, it still awaits approval from the Railway Board. Our leader, Honorable Chief Minister Ms. Mamata Banerjee, was repeatedly raising the issue, highlighting the ongoing delays by the Railway Ministry. Several letters have been written to the Ministry, including letters from the Speaker of West Bengal Legislative Assembly, who is also the MLA of Baduipur Paschim, for construction of this key metro expansion, but to no avail. Madam, I implore the government to expedite the Baduipur Kavi Subhash metro extension proposed for over more than 12 years. It is extremely crucial for the people of both rural and urban Baduipur. Lakho ki tadat mein log Kolkata aate hain aur ye metro station jitni jald ho sake utna hamare liye acha hoga. Sir, aapke madhyam se main yahi darkhwast karna chahungi. Thank you so much. तो दोस्तों उम्मीद किया जा रहा है शायद अब कुछ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया जा सकता है न्यू गड़िया बारापुर मेट्रो लाइन के लिए। होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।